गर्भवती गोरिला। गोरिला झुंड में रहने वाले प्राणी हैं। जब कभी कोई मादा गोरिला गर्भवती होती है तो सारा झुंड मिलकर उत्सव मनाता है। ऐसे ही एक मादा गोरिला गर्भवती थी। सारे गोरिला मिलकर आने वाले नए सदाए के स्वागत की तैयारियां करने लगे। चारों ओर चहल पहल मची हुई थी, क्योंकि जो मेहमान आने वाला था वो उस झुंड का भविष्य में मुखिया बनने वाला था। पर अचानक उत्सव के एक दिन पहले ही वो गोरिला गायब हो गई। वो कहाँ गई किसी को समझ में नहीं आ रहा था। ये कैसे हो गया? इतने सारे लोगों में उसे कौन उठाकर ले जा सकता है? हम सबने उन्हें कल से नहीं देखा। शायद बाकी मादा गोरिला को पता हो कि वो कहाँ है। हाँ हाँ, वो आज सुबह तालाब पर गई थी, उसके बाद हमने उन्हें नहीं देखा। सारे गोरिला समझ गए कि जरूर तालाब के पास ही कुछ गड़बड़ हुई है। वही चलकर उन्हें ढूंढना सही रहेगा। पूरा का पूरा झुंड उस मादा गोरिला की तलाश में निकल पड़ा। बस बच्चे और उनकी माएं वहीं पर रुक गई। हमें जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा। हमारे आने वाले मुखिया कभी भी किसी भी वक्त जन्म ले सकते हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो पता है ना हमारे झुंड के साथ क्या होगा। नहीं नहीं, हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। उनके झुंड की यह मान्यता थी, अगर होने वाले मुखिया को कुछ हो जाए तो पूरे झुंड को शाप लगता है। बस इसी डर से सब उस गर्भवती गोरिला को ढूंढने में जुट गए। गौर से ढूंढने के बाद उन्हें आसपास की झाड़ियाँ टहनियाँ टूटी और बिखरी हुई मिली। वो सब समझ गए कि यहीं पे कुछ गड़बड़ हुई है। चलो इसी रास्ते पर उन्हें ढूंढते हैं। काफी ढूंढने पर उन्हें दूर झाड़ियों में वो गोरिला बेहोश पड़ी मिली। उन सब ने मिलकर उसे होश में लाया। उन्होंने देखा कि उस गर्भवती को जगह जगह खरोच आई है, थोड़ा बहुत खून भी बह रहा था। आप ठीक तो हैं? आपकी ये हालत कैसे हुई? किसने आपके साथ ये सब किया? मैं अभी ठीक हूँ। तालाब के बड़े मगरमच्छ ने मेरी ये हालत की है। मुझे बेहोश देखकर वो अपने साथियों को बुलाने गया है। वो कभी भी यहाँ लौट कर आ सकता है। आने दो उनको, आज उनकी अच्छे से खबर लेते हैं। वैसे भी जंगल के सारे जानवरों को परेशान करके रख दिया है उन मगरमच्छों ने। एक गर्भवती गोरिला पर हमला करके उन्होंने जंगल का कानून तोड़ा है। हाँ, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। गर्भवती गोरिला को सुरक्षित उनके झुंड में वापस भेज दिया गया, जहाँ उनकी अच्छे से देखभाल हुई। और यहाँ दूसरी ओर सारे गोरिला उन मगरमच्छों का इंतजार करने लगे। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, सब ने मिलकर उन दोनों पर हमला बोल दिया और उनकी बहुत पिटाई की। अभी तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, पर फिर से अगर किसी मासूम को परेशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। निकलो यहाँ से, हो सके तो किसी और तालाब में जाकर बस जाओ। झुंड वालों ने उस गोरिला का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, जिसकी वजह से वो जल्द ही ठीक हो गई और कुछ ही दिनों में उसने झुंड के होने वाले मुखिया को जन्म दिया। इतने कठिनाइयों के बाद उत्सव और भी जोर शोर से मनाया गया। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर परिवार का साथ हो तो हर कठिनाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।